Hi everyone, a very warm welcome to all of you to One Academy SSC Plus. My name is Yashika Tandon, presenting you a very important video, History Behind the Bengal Gazette. So, हम newspapers के बारे में, journals के बारे में, जो modern history के काफ़ी important part है, जिनके ऊपर बहुत सारे questions आते हैं, उनकी history जानेंगे. Generally, candidate के पास बिल्कुल भी time नहीं होता है, ये छोटे छोटे important facts को और उनके पीछे की history देखना, और इससे बहुत सारे questions जो है वो आते हैं, चाहे आप स्टेट एग्जामिनेशन में जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी में जाइए, चाहे आप एसएससी में जाइए. तो आपके लिए 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चलेंगे और धीरे धीरे कर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो याद होती जाएगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और नीचे कमेंट कर बताइएगा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये न्यूज़पेपर कुछ इस तरीके से दिखता था, आपके सामने है, और उसको सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था 1780. अगर आप इसका नाम देख पा रहे हो तो ये बंगाल गजट नहीं था, इसका पूरा नेम था हिकीज बंगाल गजट, राइट. तो ये किसके द्वारा जो है पब्लिश किया गया था, तो यहाँ पर उनका नाम लिखा गया है जेम्स अगस्तस हिकी, इनके ऊपर ये पेपर है और इन्हीं के ऊपर जो है ये पेपर का नेम है. अब ये 1780 में आया, ठीक है, इसने ऐसा क्या किया कि ये काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर रहा मॉडर्न इंडिया का, ये जानने का रीज़न भी, ये रीज़न भी आपको पता होना चाहिए. चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानते हैं. हिकीज बंगाल गजट, और इसको ओरिजिनल कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर भी बोला जाता था, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर होता था जो कि कोलकाता में पब्लिश होता था, ठीक है जी, और उस टाइम उसको कलकत्ता बोलते थे. ये कैपिटल थी उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की. तो यही सर आपको पता लगता है 1780 के टाइम पर, यानी कि 1780 ईस्वी में हमारी जो ब्रिटिश कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी थी, कलकत्ता थी. ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था, फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन एशिया. तो एशिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा प्रिंट हुआ है, वो हुआ बंगाल गजट, ये आपको याद रखना है. और 2 ईयर्स ये पब्लिश हुआ था, 1780 से लेकर या 1782, बिफोर ईस्ट इंडिया, बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी सीज द न्यूज़पेपर्स. एक्चुअली हुआ क्या था, किस टाइम पर क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना क्या किया था कि सारे न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया था, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे. तो यहाँ पर इसी टाइम पर ये जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट होता है. अब यहीं पर हमने जाना है इसके फाउंडर कौन थे, जेम्स थे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये नाम बना. अब ये जो पर्सन थे ना, ये एक इंग्लिश जो है इरिश मैन थे, और जेल में रहे थे क्योंकि इन्होंने डेप्ट के कारण, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक तरीके से, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वॉरेन हास्टिंग के बारे में बोला था. वॉरेन हास्टिंग कौन थे, हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है जी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कब बने थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान. तो यहाँ पर ये देखो, ये भी फैक्ट आपको पता चलता है. तो ये बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं वॉरेन हास्टिंग को और ईस्ट इंडिया कंपनी को. उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, इन्होंने ना अपने पेपर का जो स्लोगन रखा था, यानी कि जिसके ऊपर, मोटिव के ऊपर ये काम करते थे, वो इस तरीके से रखा था, ओपन टू ऑल पार्टीज बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन. मतलब कहने का ये है कि सभी पार्टीज के लिए ये ओपन है, बट मैं किसी भी न्यूज़पेपर, ये जो न्यूज़पेपर है, किसी भी पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इनका मेन मोटिव था. हुआ क्या, धीरे धीरे इन्होंने, इनको पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ टाई अप कर रही है, और अलग अलग तरीके से न्यूज़पेपर्स जो है, राइवल न्यूज़पेपर्स जो है वो लॉन्च कर रही है, जैसे कि इंडिया गजट उस वक्त लॉन्च हुआ था. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक तरीके से जो है इन्होंने, हिकी ने क्या किया, जो है चेंज कर दिया अपना मोटिव. तो धीरे धीरे जो है वो हिकी जो है एक तरीके से दूसरे तरीके से काम करने लग गए. तो टाइम आता है ऑन नवंबर, जो है टाइम था 1780 का, सेम डे जो फर्स्ट इंडिया का न्यूज़पेपर जब पब्लिश हुआ था हिकी बंगाल गजट, और इसको कलकत्ता जनरल एडवाइजर भी बोला जाता है, ये आपका फाउंड हुआ. तो इस तरीके से इसकी जो है हिस्ट्री रहती है. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हिकी अगेन जो है आपका जेल में चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, जेल में बैठे बैठे भी वो इस न्यूज़पेपर को लिखते हैं. तो इस तरीके से ये न्यूज़पेपर जो है आपकी हिस्ट्री साथ में लेकर आता है, दैट्स वाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आज हमने जाना किस न्यूज़पेपर के बारे में, बंगाल गजट, और हमने ये भी जाना कि ये हमारा पहला न्यूज़पेपर था जो एशिया में
प्रिंट किया गया था, अगस्तस हिकी, और इन्होंने किसके बारे में सबसे ज्यादा बोला था, वॉरेन हास्टिंग के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। 1780 और 1782 इन दोनों ईयर्स को आपको याद रखना है, या मेनली आप 1780 ही याद रखिए। और ये तब आया था जब इंग्लिश जो पर्सन थे उन्होंने सीज कर दिया था न्यूज़पेपर को, और इसको कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर भी बोला जाता था। प्लीज़ रिमेंबर दैट। थैंक यू वेरी मच। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी ये 2 मिनट की हिस्ट्री फैक्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट।